हाँ तो भैया भैरवा उर्फ प्रभास उर्फ कर्ण। अब कल तक जहाँ पब्लिक अश्वत्थामा अश्वत्थामा चिल्ला रही थी और फिल्म का मेन सेलिंग पॉइंट तक अश्वत्थामा था, वहीं एक ही दिन में मेकर्स ने सबका भेजा घुमा दिया और एक ऐसा ट्विस्ट मूवी में डाला कि जनता का सारा फोकस अश्वत्थामा से भैरवा यानी कि प्रभास अन्ना पर शिफ्ट हो गया। रिकॉर्ड चेक कर लो, मैं आज तक एक फाइट नहीं आ रहा। So, अगर आपने कल की मूवी देख ली है तो अब तक तो आपको ये पता चली गया होगा कि इस फिल्म में प्रभास जो कि भैरवा है वो पिछले जन्म में सूर्यपुत्र कर्ण था। एंड इस चीज का कंफर्मेशन हमें फिल्म के एंड में मिलता है, जबकि भैरवा के कर्ण के धनुष को छूते ही धनुष में पावर आ गई और उसने सबका सफाया कर दिया। साथ ही हमें अश्वत्थामा के पर्सपेक्टिव से प्रभास कर्ण के रूप में दिखाई दिए। बाकी प्रभास ही कर्ण है ये बात तो हमें फिल्म के क्लाइमेक्स में पता चलती है, पर मेरी जान मेकर्स तो ये बात हमें फिल्म के शुरू से ही बता रहे थे। सो इस वीडियो में हम उन्हीं रेफरेंसेस और सिमिलरिटीज की बात करेंगे जो कि भैरवा और कर्ण के कैरेक्टर में एक जैसे हैं। पॉइंट नंबर वन, तो फिल्म में हम भैरवा के कैरेक्टर के पास उसका डिफेंस सूट देखते हैं जो कि उसे एक्सटर्नल अटैक से बचाता है, साथ ही ये काफी ज्यादा पावरफुल भी है क्योंकि भैया जब इस सूट ने अश्वत्थामा के अटैक से भैरवा को बचा लिया तो पावर इस सूट में बहुत है। एनीवेज, तो भैया भैरवा का ये सूट कर्ण के दिव्य कवच कुंडलों का रेफरेंस है जो कि बड़ी से बड़ी शक्ति से उसके प्राण बचाते थे और उसके डिफेंस के रूप में काम करते थे। पॉइंट नंबर टू, सो अकॉर्डिंग टू महाभारत एक से बढ़कर एक वॉरियर थे वहां पर, मगर फिर भी जिसे सबसे ज्यादा अस्त्रों और शस्त्रों का ज्ञान था वो था कर्ण। साथ ही वो बचपन से ही इन चीजों का शौकीन था, उसे तीर तलवार चलाने में मजा आता था। एंड कल के में भी अगर हम भैरवा को देखें तो वो भी बचपन से ही इन चीजों में शौक रखता है, नई नई चीजें सीखता है और टेक्नोलॉजी का काफी ज्ञान रखता है। एंड इस चीज का आइडिया हम उसके सूट, उसकी गाड़ी और उसका डिफेंस सूट देखकर भी लगा सकते हैं। पॉइंट नंबर थ्री, सो भैरवा के पास बुज्जिकार है जिसे कि उसने खुद बनाया है, साथ ही वो उसका काफी ज्यादा ख्याल भी रखता है एंड उसमें चेंजेस भी करता रहता है। बाकी अगर आपको पता है तो कर्ण खुद एक सूत पुत्र था, मतलब एक रथ चलाने वाले को वो नदी में बहता हुआ मिला था। तो भैया यहाँ पर अगर हम देखें तो वो एक रथ ड्राइवर का बेटा है। एक रथ ड्राइवर का काम भी यही है कि वो खुद अपने रथ का ख्याल रखे, उसको अपग्रेड करे, समय समय पर उसके पार्ट्स को चेंज करे एंड उसे बेटर बनाए, जैसा कि भैरवा बुज्जी के साथ करता था। तो भैया भैरवा की बुज्जी कार कर्ण के सूत पुत्र होने का रेफरेंस है। पॉइंट नंबर फोर, तो फिल्म में प्रभास का एक डायलॉग है कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही साइड होती है, खुद की साइड। इस दुनिया में बस एक ही साइड होती है, खुद की साइड। सो भैया मैं भी ये रेफरेंस था भैरवा के कर्ण होने का, क्योंकि अगर हम कर्ण की कहानी देखें तो उसकी लाइफ भी कुछ ऐसी ही रही है। उसे कभी किसी ने सपोर्ट नहीं किया, जिंदगी भर ताने मिले, यहाँ तक कि उसकी माँ कुंती तक ने उसे गंगा में बहा दिया और सिर्फ खुद के बारे में सोचा। पॉइंट नंबर फाइव, सो जिस तरह भैरवा को कैप्टन ने बेच दिया था पैसों के लिए, हालांकि वो उसे बेच नहीं पाया, उल्टा भैरवा ने उसे बेच दिया, बट जिस तरह से उसने पैसों के लिए उसे बेचना चाहा, ठीक ऐसे ही कुंती ने भी अपनी लाश बचाने के लिए कर्ण को त्याग दिया था। ओवरऑल कर्ण को मिला एकमात्र सहारा भी उससे छिन जाता है और भैरवा से भी। पॉइंट नंबर सिक्स, तो जिस तरह भैरवा अपने गुरु को बेच देता है, जिस तरह से वो उसे चीट करता है, ठीक ऐसे ही कर्ण भी अपने गुरु परशुराम जी को चीट करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कर्ण विद्या प्राप्त करता है और भैरवा पैसे, लेकिन फिर दोनों के ही पास कोई और रास्ता नहीं होता। मतलब कि कर्ण अगर परशुराम जी से झूठ न बोलता तो उसे विद्या न देते, और अगर भैरवा अपने गुरु कैप्टन को नहीं बेचता तो उसका गुरु उसे बेच देता, इसलिए झूठ बोलना जरूरी था। पॉइंट नंबर सेवन, तो कल की मूवी में भैरवा यूनिट्स के लिए सुमेती को पकड़ने जाता है, यानी कि वो एक तरह से विलेंस की साइड से फाइट करता है उनका मकसद पूरा करने के लिए। एडियस, महाभारत में भी कर्ण दुर्योधन की साइड से लड़ता है जो कि एक विलेन कैरेक्टर था एंड उसका पर्पस गलत था। सो कर्ण का महाभारत में गलत की ओर होना और कल की में भैरवा का गलत की ओर होना दोनों कैरेक्टर्स में सिमिलरिटीज दिखाता है। सो ये थे वो रेफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज जो कि मेरे अकॉर्डिंग इन दोनों कैरेक्टर्स को एक करते हैं। By the way, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।